गो फर्स्ट क्राइसिस। अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग ने शुक्रवार को कहा कि गो फर्स्ट पर संकट विकास और वृहद रुझानों के मामले में भारतीय नागरिक उड्डयन बाजार के प्रक्षेपवक्र को नहीं बदलेगा, जबकि विमान पट्टे पर देने के पहलुओं पर विधायी स्पष्टता पट्टेदारों को अधिक आराम प्रदान करेगी। भारत तीसरा सबसे बड़ा और साथ ही दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है और भारतीय वाहकों को अगले 20 वर्षों में 2200 से अधिक विमानों की आवश्यकता होने की उम्मीद है। नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की पृष्ठभूमि में बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने कहा कि जब कोई एयरलाइन वित्तीय चुनौतियों का सामना करती है तो यह सकारात्मक कभी नहीं होता है, क्योंकि यह प्रबंधन, कर्मचारियों, सभी हितधारकों और साथ ही सभी पर भारी पड़ता है, समग्र परिवहन अवसंरचना पर दबाव डालता है। यह पूछे जाने पर कि क्या गो फर्स्ट संकट का देश के उड्डयन बाजार के लिए तेजी के दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ेगा, गुप्ते ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है और विकास जारी रहेगा। आम तौर पर हम यह महसूस नहीं करते हैं कि विकास और वृहद रुझानों के संदर्भ में बाजार का प्रक्षेपवक्र बिल्कुल भी बदलता है। प्रगति कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होती है और हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। आखिरकार भारत में विकास को फर्स्ट आज जिस चुनौती से गुजर रहा है उसके बावजूद हम काम करना जारी रखेंगे। संकटग्रस्त वाहक को पट्टे पर दिए गए विमानों को वापस करें। भारत में घरेलू एयरलाइंस ज्यादातर बिक्री और लीजबैक मॉडल पर विमान संचालित करती हैं। पट्टेदारों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है, इस पर गुप्ते ने कहा कि केप टाउन कन्वेंशन के संदर्भ में पट्टे पर लिए गए विमानों पर विधायी स्पष्टता पट्टादाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करेगी। पट्टेदारों की प्रमुख चिंता उनकी संपत्ति की तरलता के बारे में है। वे जोखिम को देखते हैं। वे वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी संपत्ति सुलभ हो। हवाई जहाज वास्तव में महंगी संपत्ति है। परिसंपत्तियों का विश्व स्तर पर कारोबार किया जाता है। विचाराधीन कुछ कानून हैं जो भारत में स्पष्टता प्रदान करेंगे कि इन परिसंपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। उनके अनुसार उस कानून को पारित करना सबसे स्पष्ट चीजों में से एक होगा जो भारत पट्टेदारों को अधिक आराम प्रदान करने और इस प्रकार की स्थितियों में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए कर सकता है। गुप्ते ने गो फर्स्ट क्राइसिस के संदर्भ में कहा, अगर भारत ऐसा करता है तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में पट्टेदारों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे दूर हो जाएंगे। कुछ पट्टेदारों ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका को स्वीकार करने के राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के फैसले को भी चुनौती दी है। गुरुग्राम में बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स के नए कार्यालय में बोलते हुए गुप्ते ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और इससे विमानन विकास भी होता है। संरचनात्मक परिवर्तन है क्योंकि आपके पास भारत में एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग है। आपके पास 90% से अधिक आबादी है जो अभी तक उड़ान नहीं भरी है। हम उम्मीद करते हैं कि वे पहली बार उड़ानों का स्वाद चखेंगे और इससे निरंतर मांग पैदा होगी, उन्होंने कहा। उनके अनुसार भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास के लिए एक चुनौती कौशल के बारे में है और देश को अगले 20 वर्षों में 31,000 और पायलटों और 26,000 यांत्रिकी की आवश्यकता का अनुमान है। भारत एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी बाजार है और विमानन के लिए मांग की कीमत लोच कीमत के मामले में बहुत संवेदनशील है, यह देखते हुए कि बहुत से भारतीय अभी भी ट्रेन से यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अधिक भारतीयों को उड़ान भरने के लिए आकर्षित करने के लिए कीमत प्रतिस्पर्धी हो। बोइंग की भारत में अंतिम असेंबली लाइन होने की संभावना के बारे में गुप्ते ने कहा, हम हमेशा अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं, न केवल क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा विमानों के लिए अंतिम असेंबली लाइन सिविल विमानों के लिए अलग है। बोइंग की भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति है जिसमें रक्षा और नागरिक खंड शामिल है और देश से इसकी वार्षिक सोर्सिंग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है।